दोस्तों, हमारे दुनिया में कुछ ऐसे घर हैं जिसे सबसे शापित और ख्वाबनाक माना जाता है, और लोग उस शापित घर को इतना डरते हैं कि उस घर के रास्ते से भी जाने से कांपते हैं। दोस्तों, आज का कहानी है एक ऐसे भूतिया घर के बारे में जहां पर लोग जाने के लिए थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो जितनी रोमांचक है उससे कई ज्यादा डरावनी है। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से परिवार की, जहाँ पर एक लड़का और उस लड़के का छोटा भाई और उसकी माँ रहती थी। और उस घर में जो बड़ा लड़का था उसका नाम था सोनू, और सोनू का भाई का नाम था सुनील। सोनू एक स्कूल में पढ़ाई करता था और सोनू का छोटा भाई सुनील 4 साल का था। सोनू की मम्मी एक घर में काम करके अपने दोनों बेटों को पालती थी। सोनू अपने छोटे भाई से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि सोनू की मम्मी अपने छोटे बेटे सुनील को बहुत पसंद करती थी। एक दिन सोनू की मम्मी काम पर गई होती है, और उस दिन सोनू का स्कूल भी छुट्टी होता है, तो सोनू भी घर में होता है। दोनों भाई मिलकर लुका छुपी खेलते हैं, तो सुनील जाकर एक बक्से में छुप जाता है, और ये सब सोनू छुप कर देख रहा होता है। कुछ देर बाद सुनील अंदर से बक्से को खोलने का कोशिश करता है, लेकिन वो बक्सा नहीं खुलता, और सुनील उसी बक्से के अंदर ही बेहोश हो जाता है। सोनू को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी सोनू बक्से को नहीं खोलता, क्योंकि सोनू चाहता था कि मेरी मम्मी मेरे को ज्यादा प्यार करे। कुछ घंटे बाद सोनू की मम्मी काम से वापस आती हैं और सुनील के बारे में पूछती हैं। तभी सोनू कहता है, सुनील तो बाहर खेलने के लिए गया था, अभी तक नहीं आया है। उसके बाद सोनू की मम्मी कहती है, कहाँ खेल रहा है उसको ढूंढ कर जल्दी घर लाओ। उसके बाद सोनू बाहर अपने भाई को ढूंढने का बहाना बनाकर घर से निकल पड़ता है, और कुछ देर बाद घर आकर अपनी मम्मी को कहता है, सुनील तो कहीं पर नहीं मिला। उसके बाद सुनील की मम्मी बाहर जाकर लोगों से पूछने लगती है कि क्या आपने मेरे बेटे को देखा। लेकिन हर कोई बस एक ही जवाब देता था कि मैंने आपके बेटे को नहीं देखा। सुनील को ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है, लेकिन सुनील कहीं पर भी नहीं मिलता। सोनू की मम्मी बहुत रो रही होती है और सोनू को कहती है, जा बेटा तू खाना खा ले, सुनील मिल जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद सोनू जाकर खाना खाने लगता है और मन में सोचता है कि अभी थोड़ी देर के लिए सुनील नहीं है तो मेरी मम्मी मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। अगर हर दिन के लिए मेरा छोटा भाई नहीं रहा तो मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करेगी और मेरा ख्याल रखेगी। यही सोचकर सोनू बहुत खुश होता है और अपने भाई को मारने का प्लान बनाता है। और जब रात को सोनू की मम्मी रो रो कर सो जाती हैं, तो सोनू एक कुल्हाड़ी लेकर अपने भाई को उस बक्से से निकालता है और एक छोटे से तालाब के पास ले जाता है, और उस कुल्हाड़ी से अपने भाई का सिर को काट कर मार देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती। एक्चुअली सोनू का छोटा भाई सुनील पहले से ही उस बक्से में दम घुटने की वजह से मर गया होता है। उसके बाद सोनू अपने भाई का शरीर को एक बोरे में भरकर तालाब में फेंक देता है। अगले दिन सुबह तालाब के पास कई सारे पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि सोनू जिस बोरे में अपने भाई का शरीर को भरा होता है वो बोरा बाहर आ गया होता है। उसके बाद पुलिस वाले उस बोरे को निकाल कर देखते हैं, तो उस बोरे में सुनील का डेड बॉडी होता है जिसका सिर कट गया होता है। ये देखकर सोनू की मम्मी बेहोश हो जाती है। घटना के 2 दिन बाद सोनू की मम्मी फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। इसे सोनू बहुत दुखी होता है और अपने आप को कोसता है कि क्यों मैंने अपने भाई को मारा। घटना के 5 दिन बाद सोनू रो रो कर सोया होता है। रात के 3 बजे सोनू को उस बक्से से आवाज आता है जिस बक्से में उसका छोटा भाई छुपा होता है। उसके बाद सोनू जैसे ही उस बक्से के पास जाकर बक्से को खोलता है तो उस बक्से में सोनू का छोटा भाई सुनील का कटा हुआ सिर होता है, और सुनील का कटा हुआ सिर पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। सुनील का कटा हुआ सिर सोनू को कहता है, भैया आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। ये देखकर सोनू बहुत डर जाता है और उस घर से भागने का कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। उसके बाद सोनू को अपने माँ का फांसी से लटका हुआ शरीर दिखता है फैन में, एंड तभी जोर से चिल्लाता है सोनू, और तभी सोनू का नींद खुल जाता है। एक्चुअली ये सारी घटनाएं सोनू का सपना होता है, जो कि सोनू नींद में देख रहा होता है। सोनू जैसे ही नींद से उठता है तो देखता है कि सोनू की मम्मी सोनू के पास बैठकर रो रही है, क्योंकि अभी भी सुनील बक्से में बंद होता है। उसके बाद दौड़ के सोनू बक्से के पास जाता है और बक्से को खोलता है तो बक्से में सुनील सो गया होता है। सोनू अपने भाई सुनील को
नींद से जगाता है और अपने भाई को गले लगा लेता है और बहुत रोने लगता है। सोनू सुनील को अपने मम्मी के पास ले जाता है। उसके बाद सोनू की मम्मी भी बहुत खुश हो जाती हैं और सुनील को कहती हैं, कहाँ पे इतना देर तक खेल रहा था। और यहीं पर होता है ये कहानी खत्म। वेल दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।